कानपुर में यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। घाटमपुर तहसील में यमुना किनारे के गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। घर, स्कूल, मंदिर सब पानी में डूबे हुए हैं। लोग प्रशासन से जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, मवेशियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं और आलम यह है कि झोपड़ी और कच्चे मकान जमींदोज हो चुके हैं। पक्के मकानों में पहली मंजिल पूरी तरह से जलमग्न है। लोग अपने घर की छत पर आसरा लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोग प्रशासन के राहत के इंतजामों से नाराज दिखे हैं। लोगों के मुताबिक राहत कार्य के लिए 2 नाव ही सरकारी है जबकि 4 नाव निजी हैं। ऐसे में कई लोग राहत समय पर नहीं मिलने के चलते जान जोखिम में डालकर अपना सामान शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। कानपुर में यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि यमुना के किनारे तमाम गांवों में पानी भर चुका है और उनका संपर्क मुख्य सड़कों से कट चुका है। देखिए किस तरीके से चारों तरफ देखें तो पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जरूर पानी में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनको गांव से बाहर स्कूल में बसा दिया गया है और ये बच्चे अबोध हैं। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि इनका कितना नुकसान हो चुका है, लेकिन यहाँ जो वरिष्ठ लोग हैं वो जानते हैं, जिन्होंने पहले बाढ़ को झेला है वो जानते हैं कि किस तरीके का उनका नुकसान हुआ है। उनके खेत डूब चुके हैं, उनके मकान डूब चुके हैं। अगर अभी तक सहायता की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि यहाँ से गाँव तक जाने के लिए कई नावों की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये नाव भी बड़ी धीमी रफ्तार से चल रही हैं और नावों की संख्या बेहद कम है, जिसकी वजह से जब लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको काफ़ी देर इंतजार करना पड़ रहा है। अब बहुत दिक्कत है यहाँ पर, गांव में पानी भरा हुआ है, कोई आदमी निकल नहीं पा रहा। हमारी गृहस्थी भी वहाँ डूब रही है, हमारे आदमी भी वहाँ पर है, कोई नाव का सहायता नहीं है। अभी तक तो कोई प्रशासन ने नहीं, कम से कम एक स्टीमर दो स्टीमर देना चाहिए। इमरजेंसी में कोई आपत्ति आ जाए तो यहाँ कोई प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव गड़ाथा है, जिसके आसपास के भी तमाम गांव हैं वो इसी तरीके से जलमग्न हैं और सहायता की राह देख रहे हैं लोग कि उनको किसी तरीके की कोई मदद मुहैया कराई जाए। अभी तक जो भी मदद मुहैया कराई जा रही है वो स्थानीय लेवल पर है, प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर।